तुम फोन बंद करोगी तो मैं घर से निकलूंगा ना। उठो। और प्लीज यार अपनी सारी फ्रेंड्स को बोलना कि झमगट्टा ना बना, स्पेशली वो आजादे को। तुम्हें ज्यादा खुशफहमी नहीं हो रही हादी? किस बारे में? कि सारी लड़कियां तुम्हारे ऊपर मरती। क्यों? नहीं मरती क्या? वैसे तुम लड़कियों को भी कितना शौक होता है लड़कों से बात करने का, मौका मिले बस। All right, मां। Love you. Love you too. Take care. Have a great day. Thank you. Allah Hafiz. Hafiz. Shahryar, come on, we're getting late. चले चलो भी चलो, लेट्स गो। दाजी छोड़ दे, अभी बच्ची है। पूछे तुम्हारी मोर ने तुमको बताया कि मैंने उसको क्या खा? और तो कहती है कि औरत तंदूर में पड़ी लकड़ी की तरह है, जल कर राख हो जाए लेकिन इज्जत भी ढक जाए और मर्द का पेट भी। अस्तग़फ़िर। बोले मैंने तो कभी इतनी मुश्किल बातें नहीं की, तो फिर वो दाजी के सामने मेरा नाम क्यों ले रही? कौन का जस्ता? और खजस्ता और दरख्ज़ई इस घर में दो ही सिर पे रहे, दोनों मखनातीस के अलग अलग रुख। तुम मिलवा क्यों नहीं देती हो इन दो अलग अलग रुखों को? हमारी जिंदगियों में भी अमन चैन आएगा और इनके बेजों में भी। अच्छा छोड़ो, तुम अंदर जाकर देखो क्या हो रहा है, ज्यादा गर्मा गर्मी हो तो संभाल लेना। जाओ जाओ जाओ, जाओ जाके देखो। मोरे एक बात कहूं, जस्ता कितनी फिक्र मत किया करो, इसमें सलाहियत है बात को संभालने की और इस घर के मर्दों को भी। तुम्हारा अकेडमी बहुत दूर है, तुम्हें आने जाने में दिक्कत होगा। गर्मी सर्दी आंधी तूफान बरान, पार के सफर में 100 मसला मसाइल हो जाता है। और फिर तो तुम और जाते, तुम्हारे लिए तो और भी मुश्किल। मुझे यहाँ के मसाले देखकर तंगी होती है, उनका हाल देखकर नहीं दाजी। और अकेडमी दूर थोड़ी है, यही गाड़ी शारा से सीधा चले जाओ, आगे अकेडमी आ जाती है। सारी लड़कियां भी तो वही पर तैयारी करने जा रही है ना। समझाओ बच्चे। दाजी ठीक है, तुम औरत जात हो, इतनी दूर आना जाना रोज थक जाओगी। अब भी रात को तो आप राजी थे, दाजी के सामने ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसे अंदाज मत बदलो। बच्चे तू मेरे मरहूम भाई का आखिरी निशानी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। लेकिन अच्छे घरों की लड़कियां 12 जमाते पढ़ने के बाद घर को संभालती हैं, इस तरह जिद नहीं करती। जिद नहीं कर रही दाजी, आप जानते हो बचपन से डॉक्टर बनना चाहते थे, अब डॉक्टर बनना ना बनना तो किस्मत की बात है, लेकिन मैं किस्मत आजमा तो सकती हूँ ना। जी जाने दें, लाने ले जाने की जिम्मेदारी दरख्ज़ई की लगा देंगे, अकेली बिल्कुल नहीं जाएंगे। दरख्ज़ई के? ये तो आपने ना इजाजत देने वाली इजाजत दे दी लाला। आप खुद क्यों नहीं छोड़ोगे? क्योंकि तुम्हारे लाला को यहाँ पे भी तो बहुत काम होता है, कर्जों की वसूली, लकड़ का ध्यान, अब खेत को भी तो देखना है ना।
दाजी मैं जाऊं? हाँ ठीक है जाओ। वो देखो दरवाजा भी आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम दाजी। बड़ा पोए करा दाजी दास फिगर मा कर ज्यादा ख्याल साहब। बच्चे गुले को ट्यूशन छोड़ा, तेरे दाजी ने इसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। इजाजत दे दी? हाँ छोड़ा उसको। दाजी की तबीयत तो ठीक है? क्यों, फजर में तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई उनसे? कोई डांट डपट नहीं हुई जो तू उनकी तबीयत पूछ रहे? चल जा ध्यान से ले जाना और रास्ते में उसको तंग मत करना। आराम से ध्यान से जा शवश जा और तू भी इसको तंग मत करना। जी मोर। जा चलो चलो अभी देर होती है। सईदा देर होती है? क्या लगता है तुमको ये चार किताबें मिताबें पढ़ने से तुम्हें मैं कंधे पे बैठाऊंगा? तुम चांद तोड़ लाओगी, तारे तोड़ लाओगी, क्या करोगी? पढ़ लिख कर इंसान की शख्सियत में वजन आता है, वो तुम्हारी तरह ऐसे हवाओं में नहीं उड़ता फिरता। और ये चख 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 बंद करो, औरत की जबान बंद अच्छी लगती है, वरना मैं तुम्हारा। वरना क्या करेगा तुम? अब लेकर चल रहे हो या दूधा जी को आवाज? उन्होंने ही तुम्हें ये रुतबा बख्शा है ना मेरे ड्राइवरी का। ड्राइवरी का नहीं, शहर का रुतबा बख्शा है, होने वाला शहर तुम्हारा। समझ आई तुम्हें? दरक जाए आज, चलो आज चलो, मुझे दर्द होता है। दरक जाए आज चलो, मेरा दरक जाए, चलो चलो चुंगली दरक जाए। बैठ चलो चलो आधा। के ये मतलब नहीं है कि मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम्स हर वक्त सॉल्व करता रहूं, और पेपर्स भी। मैं केक लाई हूं बर्थडे का। रियली? जैसे मैं जानता नहीं हूं कि ये केक क्यों आए। अब ऐसी भी क्या बात है, मुश्किल के टाइम पे थोड़ी सी चीटिंग तो करा सकती हो तुम। तुम भी तो हेल्प मांगते हो। हां थोड़ी सी चीटिंग, हर दफा चीटिंग करके पास होती हो तुम। प्रैक्टिस में आओगी ना तो बंदा मार देना तुम। हादी प्लीज मुझे सेल्स का रिएक्शन बता दो। चलो वेट, अहमद तुमने ये तक नहीं देखा? तुम पूरा दिन करती क्या हो? इसकी बर्थडे थी तो अकेली थी बेचारी, मैंने सोचा क्यों ना हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करें। आ फिर एक काम करते ना कि क्लास में इसकी बर्थडे के केक की हिस्ट्री बता देती। यार ये लड़कियां ना मेडिकल कॉलेज सिर्फ एडमिशन लेने आ जाती हैं, रट्टे मार के सीटें घेर लेती हैं, आता जाता कुछ नहीं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम देख लेना तुमसे पहले पहले वाइवा पास कर देंगे। रियली? अच्छा जैसे मैं जानता नहीं हूँ कि तुम लोग करोगे क्या। आई टेल यू व्हाट, इन दोनों ने एक पेशेंट को पैसे खिलाने और कहना है जिस तरह हम कहते जाए ना बस उस तरह करते जाए। सॉरी लाते जाओ। हाँ थी
कैसी बातें कर रहे हो? चल यार, दिमाग काफी रहेंगे के... वैसे आयमा, तुम्हारे इस कजन पर एटीट्यूड जचता बहुत है। अल्लाह ने बहुत दिल से बनाया है इसे। इंसान बनो। और अभी मैं टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। छोड़ो टेस्ट को। जब अमरोज लाला और दाजी ने मुझे इजाजत दे दी है तो फिर तुम्हें क्या मसला है? तुम क्यों गुस्सा करते हो? क्योंकि तुम मुझसे मंसूब हो, उनसे नहीं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ये तुम आवारा बाल फिरोगी उसमें मेरी बेइज्जती है। घर टिक के बैठोगी तो मुझको इज्जत मिलेगी। मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, घर में बैठूंगी तो तुम्हारी इज्जत होगी। क्यों, तुम्हारे खुद की कोई इज्जत नहीं है? तुम बखो नहीं खजस्ता। तुम मुझसे ज्यादा बात करोगी तो खुदा की कसम भूल जाऊंगा कि हम जिंदा है। पहाड़ में गाड़ी दे मारूंगा मैं। मारो, मैं यही चाहती हूँ कि तुम पहाड़ी में दे मारो या काई में नीचे फेंक दो, लेकिन अल्लाह का वास्ता मुझे नीचे उतार दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहती। ये जो तुम मुझे बार बार घूर कर देखते हो ना, मैं बता दूं कि अगर तुम सैफ खान की औलाद हो तो मेरी रगों में भी दिलावर खान का खून दौड़ता है। बस यही पे तो मार खाता हूँ। अगर चाचा जिंदा होता तो कब से हमारा निकाह करवा चुका होता, हमारे बच्चे होते अब। या अल्लाह, तेरा शुक्र है परवरदिगार, मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया से किसी का जल्दी चले जाना भी किसी के लिए बायस मसलियात होता है। बताया, लेके जाओ तब मसला, ना लेके जाओ तब मसला। कि तुम खुद मसला है। चुप करके बैठो तुम खजस्ता, चुप करके। हर वक्त मगज खराब, बिना वजह का बहस मेरे साथ। अब क्यों देख रही हो? उधर देखो, उधर देखो। हाथी का बच्चा, मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं कैसे पास होंगी? बस 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 बस, छोड़ दो टेस्ट को। तो मुझे ये पता, तुम्हारी एंगेजमेंट कब हो रही है? वो भी हो ही जाएगी एक दिन, लेकिन अभी टेस्ट का सोचो आजादे। मतलब कितनी बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर सबीका की भतीजी और डॉक्टर हादी की कजिन फेल हो गई। नहीं तो चलो फिर हादी का आइडिया उठाते हैं, घेरते हैं एक पेशेंट को और लगाते हैं रिश्वत। नहीं 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 नहीं। हाँ हाँ मोड़े, तुम शहर से आ रही हो? तुम्हें इजाजत मिल गया पढ़ने का? हाँ। तेरा सही नहीं तो इजाजत दिलवाई है दाजी से मुझे। कहता है कि इसको औरतों का आगे पढ़ना बहुत पसंद है। सनोबर, तुम भी आगे पढ़ो ना, बहुत मजा आएगा। क्यों तेरा सही? सलाम, कैसे हो? तुमसे कितनी बार बोला है, ये सामने मेरे आके सलाम वाला मत किया करो, शान घटती है। चलो पीछे जनान खाने में जाओ। लीवानी, जब इतनी प्यास लगती है तो अपनी बॉटल क्यों नहीं लाती? तुम जानते हो हादी कि मुझे तुम्हारी बॉटल से पानी पीना कितना अच्छा लगता है। खैर बताओ, तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ? मेरी छोड़ो, अपना बताओ।
Any chances of passing this year? Alhamdulillah. तुम्हारे भरपूर कोशिशों के बाद भी मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ. वैसे थैंक यू, क्योंकि तुम्हारा ही आइडिया कॉपी करके मैं पास हुई. Really? We shall see about that. ये पढ़ाया आपने? हाँ, ये तो मुझे यार हादी जरा इनका मसला सॉल्व करवा दे. इनकी अपर लैम्प भी रहती है और अटेंडेंस से झगड़ा भी हो गया. तो क्या हुआ, कल करवा लेना. कल तो प्रैक्टिकल है. प्लीज प्लीज आदि भाई, कुछ करें. प्लीज प्लीज इनकी तो बात ही नहीं करो, क्योंकि ये जब भी कुछ करते हैं तो पूरा कॉलेज देख के हंसता है. क्यों हाथ क्या था ना, फर्स्ट ईयर. कहाँ जा रहे है? कहाँ जा रहे है? इधर आ जा. शाबाश शाबाश शाबाश. क्या यार, क्या देख क्यों मरवा रहा है यार. देख देख तेरे माँ बाप डॉक्टर है, तू बच जाएगा. मैं कॉलेज से निकाला जाऊंगा यार. फिक्र क्यों कर रहा है, मैंने तुझे कहा ना ये अटेंडेंट मेरा दोस्त है, हम संभाल लेंगे. तूने सिर्फ एक काम करना है, ये बात कॉलेज के बाहर ना निकले बस. ओके? और अगर ये बात निकल के बाहर तो? अरे नहीं फैलेगी यार. सोच ले ना मेरे भाई, सोच ले एक बार. सोच. क्या सोच ले, सोच ले. मेरा रिश्ता तय हो रहा है क्या इधर? डॉक्टर बनना है नहीं बनना? डॉक्टर बनना है. बनना है ना, तो करना तो पड़ेगा, है ना? देख यार, ये ले, जिंदगी भर की बदनामी से अच्छा है ना मैं पेपर में फेल ही हो जाऊं. देख मैंने खुद पढ़ा है, 50 लाख का जुर्माना है प्लस कैद. पागल हो गया है क्या? मैं हूं तेरे साथ. डोंट वरी. रिमेंबर. रिमेंबर. पोजीशन. पोजीशन. चल शाबाश, चल मेरा चीता. पोजीशन. गो. चल ये तो हो गया, तू एक काम कर, सारे बॉयज को मैसेज कर और बोल ड्राई सेक्शन हॉल पहुंचे. अबे यहां से ऊपर कैसे जाएंगे, यहां तक तो पहुंच गए. चल यार वो अपने छोड़ यार, मुझे कुछ सोचने दे. तू एक काम कर, तू बॉयज को बोल नीचे आ जाए, हम डेड बॉडी को ना ऊपर ले जाते. तेरा दिमाग खराब हो गया, वापस चल, वापस चलना है यार, चलते हैं. तू पागल हो गया. एक ही बात की रट लगाई हुई यार, इतनी मुश्किल से बॉडी को यहाँ पे लेके आए, ऐसे चले जाए. अहमद समझ इंतजामिया को. अभी अभी गंभीर.